मेरा पहला सवाल आपसे, आप अपनी कहानी बताइए, आप हरियाणा से आते हैं, वहां पे रोइंग का कोई ऐसा खास हिस्ट्री नहीं है, वो कोई बड़ा इतिहास नहीं है रोइंग का, जी सर। आपको रोइंग में शौक कैसा पैदा हो गया, आप रोइंग में कैसे आए, यहाँ से शुरू करें और हमारे मीडिया के साथ ही आगे सवाल करेंगे आपसे। जी सर, सर मैंने सन 2018 में आर्मी में ज्वाइन किया था सर, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरे को रोइंग के बारे में पता लग गया, ये रोइंग ऐसी तरह गेम होता है। उसके बाद मैंने ज्वाइन करने के बाद सर रोइंग खेलनी स्टार्ट की सर, और फिर 2021 में मैं आर्मी रोइंग नोड में आया सर, उधर से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। बालराज, आप और भी खेल खेल सकते थे, आर्मी में तो बहुत सारे खेल होते हैं, रोइंग ही क्यों चुना, आपको चुना गया रोइंग के लिए कि आप रोइंग चुने, कैसा हुआ ये? नहीं सर, जैसे आर्मी में कंपटीशन चलते हैं हर टाइम, बटालियन लेवल पे कंपटीशन होते हैं, तो जब मैं सर भर्ती हुआ था उस टाइम ये रोइंग कंपटीशन चल रहा था, उसमें ही मैं खेलने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया था। मेरा एक और सवाल है गौतम भाई से, सवाल कराने से पहले, जी सर, ओलंपिक्स को लेके आपकी क्या उम्मीद है, ये ओलंपिक्स के लिए आपकी क्या सोच है, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सर जैसे मेरे सर अभी मैंने 3 साल से स्टार्ट रोइंग करी है सर अभी, और सर जैसे अभी तक तो सर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है सर, जैसे कि एशियन में भी मैं जैसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था सर, पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल कंपटीशन में, और सर अभी हम ओलंपिक में जा रहे हैं, इसमें क्वालिफाई किया था कोरिया में, अभी ओलंपिक में जा रहे हैं सर, अपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे सर। आपकी तैयारी पुणे में हो रही है अभी? हाँ जी सर, अभी रोइंग नोड में हो रही है आपकी तैयारी? तैयारी सर जैसे पहले हमें कैंप लगा था हमारा क्वालिफिकेशन से पहले, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमारा कैंप उधर चाइना में लगाया था 20 दिन के लिए, उधर से फिर सर क्वालिफाई करके हम फिर इधर आ गए थे पुणे में, फिर 1 महीने के लिए पुणे लग गया, फिर जैसे कैंप 1 महीने का लगता है ना, तो वैसे ही अभी दोबारा फिर पुणे में ही है सर। जी थैंक यू गौतम, कैन यू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बालराज बेनिफिट एंड देन Ask your question, please. Yeah, sure. Balraj, good morning. मैं गौतम हूँ, नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए। मेरा क्वेश्चन है, मैंने जैसे अभी अभी पता चला कि 3 साल का टोटल एक्सपीरियंस है आपका इन दिस स्पोर्ट, बट उसी में आप लास्ट एशियन गेम्स में एक्चुअली यू नैरोली मिस द ब्रॉन्ज, तो कैसे वो एक्सपीरियंस कैसे काम में आएगा? मैंने हेयर competition will be tougher, but वो experience कैसे काम में आएगा in the Olympics? जैसे हम जितने हम खेलते हैं experience हमारा उसी से बढ़ता है सर, जितनी हमें रेसे लड़ते हैं सर उसी से हमारा experience मिलता है सर, इसके अलावा तो कोई दूसरा है नहीं सर, जितने international level पे competition खेलेंगे हम उतना ही हमारा अच्छा वो आएगा, मतलब सर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा उससे ही। राइट, यही है सर। राइट, थैंक यू। फेरोज मिर्जा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। बलराज कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया सर। बलराज जैसे आपने बताया कि आर्मी रोइंग नोड में आपकी तैयारियां चल रही हैं, जैसे ओलंपिक बाउंड एथलीट्स फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप के लिए भी जा रहे हैं बिफोर ओलंपिक्स, तो ऐसा कोई प्लान है कि पेरिस में एक्लेमेटाइजेशन के लिए और प्रिपरेशन बेटर हो सके उसके लिए? 20 डे पहले जा रहे हैं सर उधर ओलंपिक्स के से पहले सर। तो क्या प्लान है वहां पर, जो 20 डेज आप पहले जा रहे हैं तो क्या क्या प्लान है वहां पर आपके? जी सर, उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा सर, जैसे पहले जाएंगे हम उधर का वेदर का हमें अडेप्टेशन होगा थोड़ा सर, उधर का मतलब कंडीशन के हिसाब से हम बदल जाएंगे साहब, तो अजीब सा लगेगा फिर, जैसे एकदम जाते हैं तो अजीब सा लगता है फिर, तो हम पहले उधर से अडेप्ट हो जाएंगे कंडीशन से, तो अजीब नहीं लगेगा फिर। ट्रेनिंग कहाँ होगी बलराज आपकी?
क्योंकि आप अकेले रोअर हैं कंट्री सर, फ्रांस में कोई क्लब होएगा सर उधर यार? तो अभी वेन्यू चूज नहीं किया है? वेन्यू सर चूज हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन सर अभी हमें नहीं पता था सर वेन्यू का नाम, बाकी तो सर सब कंफर्म हो रखा है सर। तो कितने लोग निकल रहे हैं आप लोग? थैंक यू फेरोज, फेरोज जस्ट होल्ड योर क्वेश्चंस प्लीज। कृष्ण स्वामी, कुमार स्वामी, सॉरी कृष्णमूर्ति कुमार स्वामी, बलराज हाय, नाइस टू सी यू। तो क्वालिफिकेशन होने के बाद आपका प्रिपरेशन कैसे रहा, और अभी जो रीसेंट वर्ल्ड रोइंग कंपटीशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और आप वहां से क्या क्या सीखने को मिला? जी सर, क्वालिफिकेशन के बाद सर हमारा लगभग एक डेढ़ महीने का कैंप लगा है सर अभी तक, और फिर हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे सर। जैसे वर्ल्ड कप में जो क्वालिफिकेशन में आए थे एशिया में, वर्ल्ड कप में जो आया था उनको तो सर मैंने बीट किया है, और एक दो बंदे और थे जो मतलब जिनसे मैंने एक बार पहले बीट हुआ था, मैं उनसे उनको मैंने बीट किया सर। कौन है वो? तो किसको आपने हराया? तो सर पहले जब मैं स्विट्जरलैंड गया था ना सर, हाँ, उसमें जो एक दो बंदे थे जिनको मैं बीट नहीं कर पाया था, जो मेरे साथ के थे, जो मतलब लेवल के थे। जी सर, और सर अभी जैसे हमें पीक परफॉर्मेंस हमें अभी लेके नहीं जा रहे सर, तो हमें अब से स्टार्ट करेंगे सर हमें पीक परफॉर्मेंस पे जाना। ऋषिकेश, गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना आप? जी सर। ऋषिकेश है, वायाकॉम जियो के लिए काम करते हैं वो। उनका सवाल यह है कि आपकी क्या अपेक्षा है ओलंपिक गेम में? पेरिस आपका पहला गेम है, ओलंपिक गेम है, वहाँ पे आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या करना, आपको अपने आप से क्या उम्मीद है रखी है ओलंपिक्स में? सर ये है कि सर हम सेमीफाइनल में तो जाने की कोशिश कर रहे हैं सर पूरी, क्योंकि सर इंडिया में अब तक तो कोई गया नहीं है सर अभी सेमीफाइनल में, अभी जब तक अभी तक जितने भी ओलंपिक्स में गए हैं तो इंडिया की पोजीशन बेटर करने की है उम्मीद है सर। आपको अभी कोचिंग कौन कर रहे हैं, कौन कोच है आपके साथ जो आपके साथ लगे हुए हैं अभी? सर हमें कोचिंग ये गुरदर्शन साहब है, और एक बजरंग साहब आएंगे सर अभी, बजरंग लाल ठाकुर। हाँ, वो भी आएंगे सर, और ये अभी जो कोचिंग कर रहे हैं वो गुरदर्शन सिंह कर रहे हैं जी। बालराज, आपको एशियन गेम्स में फाइनल जाने का मौका मिला था, आप फाइनल गए थे एशियन गेम्स में चाइना में, वो भी आपका पहला एशियन गेम्स कंपटीशन था, अब क्या उससे कुछ आपको उस अनुभव से कुछ सीखने को मिला है, वहां से क्या सीख मिली है, और वो सीख को आप कैसे आगे यूज करेंगे? एशियन गेम्स से तो सर बहुत सीख मिली थी, मतलब रेस कैसे इंटरनेशनल लेवल पे रेस कैसे लड़ते हैं, कैसे मतलब किस तरह से रेस करते हैं, उस चीज का बहुत एक्सपीरियंस हुआ सर, उस चीज से बहुत हेल्प मिली थी एशियन गेम्स से सर। जैसे मतलब रेस लड़ने का एक तरीका होता है ऐसे, तो वो बहुत समझ में आया था सर उधर। रेफ स्पोर्ट्स के रोहन का सवाल है, मेंटल प्रिपरेशन कैसे तैयारी हो रही है, क्या आपके पास कोई स्पेशल माइंड कंडीशनिंग के लिए कुछ खास काम हो रहा है, मेंटल ट्रेनिंग के लिए कुछ खास काम हो रहा है? जी सर, हमारी साइकोलॉजी की क्लास लगती है, मैं हफ्ते में दो बार लगती है इधर ही मेंटल उसके लिए ट्रेनिंग के लिए, हफ्ते में दो तीन बार आ जाते हैं मैडम आए ट्रेनिंग के लिए, वो आती है। मैडम का नाम बताएंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेंटल ट्रेनिंग में? मैम वो समीक्षा जो है ना, समीक्षा है उनका नाम। ठीक है, हम पता लगा के मीडिया से शेयर कर लेंगे। कुमार स्वामी का एक और सवाल है, आपको ट्रेनिंग में आपके खिलाफ
आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कोई कोई तो साथी चाहिए होगा जो आपको रेस करे, तो कौन ऐसा साथी है जो आपको कंपटीशन ट्रेनिंग में कंपटीशन दे रहा है? मतलब सर जैसे कुछ साथ में ट्रेनिंग करने वाला? हाँ जी, आप अपने बोट पे हो, साथ में और कौन है, दूसरे जगह कौन है? तो सर मैं हूँ कैंप में अभी, और एक ये सलमान खान है, सिंगल में प्रैक्टिस करता है, और एक करमजीत कुलविंदर, चार जने हैं सर ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है वेंकट नारायण जी, उनसे ले लेते हैं। वेंकट नारायण सर, सर यू आर ऑन म्यूट। बलराज आपको मुबारक हो, आप पहला इंडियन है जो रोइंग कंपटीशन ओलंपिक्स में चांस मिल रहा है, तो आपका ट्रेनिंग अब तक कैसा रहा है और आप कितना कॉन्फिडेंस से पेरिस जा रहे हैं, कुछ मेडल वगैरह लाने की संभावना है क्या? और सारी दुनिया में चाइना गए हैं, कोरिया गए हैं, शायद स्विट्जरलैंड भी गए हैं, तो वहाँ अलग अलग भाषाएं बोले जाती हैं, आप ना इंग्लिश इंप्रूव करने की कोई तैयारियां हो रही है या कोई इंटरप्रेटर वगैरह आपके साथ रहते हैं लोगों के साथ बात करने के लिए? नहीं सर, इतनी तो सर इंग्लिश है सर, समझ लेते हैं एक दूसरे से आपस में। अच्छा, इससे कोई बोलता है समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन से होती है। अच्छा, और सर जैसे कंपटीशन सर अभी बहुत खेल लिया है सर, तो कॉन्फिडेंस तो सर अभी पूरा है सर अपने ऊपर। ओके, क्या लगता है आप गोल्ड लाएंगे, सिल्वर लाएंगे, ब्रॉन्ज लाएंगे पेरिस से भारत के लिए? जी सर, अब अच्छी परफॉर्मेंस करके आएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम माय? यस फेरोज, प्लीज गो अहेड। बलराज, जैसे आपने बताया कि आप 20 दिन पहले जा रहे हैं, तो अपने साथ जैसे अभी कंपटीशन की बात हुई थी कि यहाँ रोइंग नोट में आपके कॉम्पिटिटर हैं जो आपको तैयारियों में मदद कर रहे हैं, तो वहाँ कोई स्पारिंग पार्टनर जैसे कहा जाता है किसी को लेके जा रहे हैं साथ जो आपके? लेके जा रहे हैं सर। कौन है? सलमान खान है। अच्छा, तो ये आपकी तैयारियों में मदद करवाएंगे आपकी वहाँ? जैसे साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो अकेले ट्रेनिंग करने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन साथ में एक पार्टनर होता है तो मतलब अच्छी ट्रेनिंग होती है। बलराज, एक और सवाल है, रोहन रेफपोर्ट के है, इनका सवाल यह है कि आपका आम दिन, हफ्ते में जो आप जब कम्पीट नहीं कर रहे होते, जब ट्रेनिंग नहीं होता है, तो वो दिन क्या होता है आपका, ऑफ डे में क्या करते हैं आप? ऑफ डे में सर हम कोई अदर गेम वॉलीबॉल खेल लेते हैं सर, और हमारा जो रिकवरी के लिए मसाज होती है एक तो सर, फिर वॉलीबॉल खेल लेते हैं सर, यही चलता है सर। अच्छा, और कुमार स्वामी का एक और सवाल है, वो पूछते हैं आपसे कि दत्तू से बात हुई क्या आपकी, क्योंकि दत्तू ने रियो में खेला था, और दत्तू से क्या आपकी बात हुई? दत्तू से सर जब हम क्वालिफिकेशन करने के लिए गए थे सर, तभी बात होती थी सर दत्तू से। और कैसे कैसे बातें हुई होंगी आपको, ओलंपिक के बारे में बात हुई के कैसे? जी सर, बातें तो सारी होती थी, वो बताते हैं सर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे रेस होती है, कैसे मतलब रेस से करने का तरीका कैसे होता है, वो सब बताते थे सर। गौतम, प्लीज गो अहेड। या अगर इफ पॉसिबल एक क्वेश्चन, जैसे ये एक क्वेश्चन था बलराज अबाउट मेंटल कंडीशनिंग कोच का, जैसे एक लेडी आते हैं आपका ट्वाइस थ्राइस अ वीक, तो ये आपका जो इवेंट है सिंगल स्कल, उसमें थोड़ा बहुत जो रोइंग हमने देखा है, यू फील कि आप उधर एक लोनली, आप अकेला हो, पानी है और आपका राइवल्स है, तो इसमें ये मेंटल स्ट्रेंथ का क्या जरूरत ज्यादा हो जाता है जब आप नेचर के अगेंस्ट आप ऐसे जा रहे हो? जी सर, सिंगल स्कल में सर मेंटल थोड़ा ज्यादा चाहिए सर एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि सर सिंगल में क्या है कि हम हमें सोचना है, हमें खुद का लड़ाई, या राइट, हाँ। और
जैसे पार्टनर में होता है तो एक दूसरे को आपस में बातें करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देते हैं जैसे, लेकिन हमें अपने को खुद ही कॉन्फिडेंस देना है, खुद ही हमें चढ़ना है, ये हो जाता है। थैंक यू फिरोज, गो अहेड प्लीज। बलराज, जैसे आपको मालूम होगा कि आईओए, इंडियन गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इन्होंने बहुत सारे एडिशनल सपोर्ट स्टाफ दिए हैं ओलंपिक बाउंड एथलीट्स को, उनमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्लीप थेरेपिस्ट हैं, तो जैसे ये कितना हेल्प करेगा आपको? न्यूट्रिशनिस्ट आपके खाने का ख्याल रखेंगी, क्या डाइट होना चाहिए, स्लीप थेरेपिस्ट आपकी सोने का पैटर्न कितना इम्पोर्टेंट है सोना, तो ये कितना काम आएगा? जी सर, न्यूट्रिशन का, फिजियो का, और ये इनका बहुत रोल है सर, क्योंकि हमें खाना तो न्यूट्रिशन के हिसाब से ही बढ़ता है, और फिजियो भी, हमें फिजियो की बहुत जरूरत पड़ती है, कभी थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है तो फिजियो सर ठीक करते हैं उसको। और सर सोना, सोना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए भी एक एक्सपर्ट है आपके पास? जी सर, अभी सोने वाले एक्सपर्ट से तो सर हम पहली बार मिलेंगे सर, अभी उनसे तो मिले नहीं सर, फिजियो से और न्यूट्रिशन से तो सर बारी बातें होती रहती है, डाइट के बारे में, रिकवरी के बारे में। तो डाइट के बारे में कुछ स्पेसिफिक प्लान है तो बताइए ना प्लीज सर। डाइट सर हमारा न्यूट्रिशन होता है जो प्लान बना के देता है हमें, क्या खाना है, किस टाइम खाना है, सारे प्लान बना के देते हैं, दिन में कितना खाना है, क्या करना है। थैंक यू बलराज, थैंक यू सर, थैंक यू। वेंकट नारायण सर, सर यू आर ऑन म्यूट। सॉरी बलराज, आप एक मामूली गांव हरियाणा से आते हैं, वहाँ रोई के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, तो आपका इंस्पिरेशन कहाँ, जब फौज में भर्ती होने के बाद ही आप रोइंग के बारे में सुने हैं, फिर जी सर शौक हो गया, फिर वो सीखना शुरू किए हैं, यही है क्या? जी सर, हाँ जी सर, जैसे फौज में भर्ती होने के बाद तो उधर सेंटरों में रोइंग के लिए कोच रहते थे सर, हर एक सेंटर में कोच रहते हैं, तो सर हमारे सेंटर में थे सुनील साहब थे सर, सुनील कुमार, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया था, वो ले गए थे कि भाई तू रोइंग में अच्छा खेल सकता है, हाइट अच्छी है तो खेल के देख, तुम उधर से फिर सर मेरे को लेके गए थे सर। थैंक यू बलराज। कुमार स्वामी का एक और सवाल है आपके लिए, गांव में क्या रिएक्शन है जब गांव में पता चला कि आप ओलंपियन बनेंगे, गांव में क्या रिएक्शन रहा, गांव वालों का क्या कहना है? गांव वालों का तो सर रिएक्शन अलग अलग ही रहता है, कोई किसी को यकीन भी नहीं होता कि हमारे गांव से कोई ओलंपिक में जा रहा है, बहुत तरह के रिएक्शन आते हैं सर। थैंक यू। अमलन चक्रवर्ती रॉयटर्स से सवाल पूछते हैं आपसे, चैट में आया है सवाल, सवाल यह है कि पिछले 3 साल में जो आपने किया है बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, 3 साल में आप प्रोग्रेशन आपका बहुत बढ़िया है, क्या आप अपने आप को जल्दी सीखने, तेज सीखने वालों में से मानते हैं, और टेक्निकली आप टेक्निक में क्या सीखा है, आप बाकी बड़े रोअर्स के को देख के उनसे बात करके क्या सीखा है? जी सर, अभी टेक्निक में तो सर अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करनी है सर, और जैसे स्पीड एंडोरेंस वो तो हमें प्रैक्टिस करने से ही आता है सर, लेकिन टेक्निक में थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और करनी है सर अभी हमें, तो जैसे टेक्निक तो सर आराम आराम से ही हमें सीखने को मिलेगी, एकदम तो सर कर नहीं सकते हम बिल्कुल भी, क्योंकि टेक्निकल में बहुत काम करना पड़ता है हमें, तो टेक्निक भी हमें इम्प्रूव करनी है सर अभी बहुत करनी है सर। आर्को का ये सवाल है, बजरंग लाल ठक्कर 2008 बीजिंग गेम में खेले थे और जी सर, उनका भी सिंगल्स का ली था और वो आपके कोच है अभी, तो उन्होंने क्या कुछ खास बात कही है आपको, अपने अनुभव को लेके उन्होंने कुछ बात आपसे शेयर की है तो वो बता। हाँ जी सर, बजरंग साहब सर हमें प्रैक्टिस तो कराते हैं सर, लेकिन वो रेस के बारे में बताते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट लेना होता है रेस में, किस तरह मिडल में किस तरह चलना होता है और स्टार्ट फिनिश कैसे करना होता है, तो वो सारे टैक्टिक्स होती है रेस की सब भी बताते हैं वो।
बालराज, मेरे को कभी कभी ये सवाल पूछने का मन करता है, पूछ ही लेता हूँ मैं आपसे। एक सिपाही घर छोड़ के जाता है, खिलाड़ी भी घर छोड़ के जाके लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको दोनों लाइफ में, चाहे वो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप सिपाही का रोल हो या फिर रोइंग करते हुए, अंतर नजर आता है कि दोनों में समानता है? सर वही है सर, सिपाही भी अपने घर से दूर रहता है, खिलाड़ी भी दूर ही रहता है सर। घर से दूर रहने की तो हमें आदत शुरू से ही हो गई थी, और फिर गेम में आ गए सर, तो सैक्रिफाइस तो दोनों में ही है सर। थैंक यू बलराज।